Hello, it's the students. Students, I'm going to read the next chapter, chapter number 3, Abraham Lincoln. तो पहले तो मेरे को आपको क्या पता है कि अब्राहम लिंकन कौन थे? अब्राहम लिंकन वो प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं वो 16th प्रेसिडेंट थे यूएसए के. तो किस तरह से उनका ये सफ़र स्टार्ट हुआ, तो क्यों हम जो हैं उनकी आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, किस काम की वजह से इतने पॉपुलर कि लोग उनको आज भी याद करते हैं. प्रेसिडेंट्स तो बहुत हैं बट अब्राहम लिंकन को क्यों याद किया जाता है? तो लेट अस रीड. अब्राहम लिंकन द ग्रेट लीडर हु फॉट अगेंस्ट द हैनियस एक्ट ऑफ स्लेवरी. हैनियस मीन्स बैड एक्ट ऑफ स्लेवरी. एक्चुअल में स्टूडेंट्स जो अब्राहम लिंकन थे वो स्टूडेंट्स जो अमेरिकन्स थे उनको जो स्लेव बनाया जा रहा था उनके लिए लड़े थे वो, क्योंकि जो थे वो कुछ लोग थे जो अमेरिका में ब्लैक मैन को वो एज अ स्लेव ट्रीट करते थे. विशेस डैट हिज सन बिकम्स अ गुड ह्यूमन बींग, जो आशा करते हैं कि उनका बेटा है जो एक अच्छा इंसान बनेगा. सो ही इंटरेस्ट हिज सन्स टीचर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्पार्ट लाइफ लेसन्स टू सन एंड एज टू गिव हिम एन इनसाइट हाउ टू लीड लाइफ अ बेटर पर्सन. तो वो ये जिम्मेवारी उसके टीचर पे छोड़ देते हैं, वो उसके टीचर को एक लेसन राइट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो जो है वो अपने बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीचर को दे रहे कि किस तरह से वो उसको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगे. लेट अस रीड. अब्राहम लिंकन जो थे उनका 1809 को बर्थ हुआ और अप्रैल 15, 1865 तक वो रहे. वॉज द 16th प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. 16th प्रेजिडेंट थे यूएसए के. ही सर्व्ड एज प्रेजिडेंट वो 4 मार्च से लेके 1861 अप्रैल 15, 1865 तक क्या रहे थे, वो प्रेजिडेंट रहे थे. अब्राहम लिंकन वॉज बोर्न इन लॉग कैबिन नियर हर्जनविल कैंटकी. वो उनका जन्म लॉग कैबिन का मतलब होता है लॉग्स का बना एक घर, छोटा सा घर जो लकड़ियों का बना हो, उन ये प्लेस का नेम है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, हर्जनविल कैंटकी. ही हैड वेरी लिटिल फॉर्मल स्कूलिंग, वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड. अच्छा, उनके बारे में सबसे पहले बात जो मेन है कि वो खुद सेल्फ एजुकेटेड थे. बड़ी थोड़ी देर के लिए उनको स्कूलिंग मिली थी तो वो सारा जो थे अपने आप पढ़े थे. ही इवेंचुअली बिकेम ए लॉयर, वो एक लॉयर बने एंड रिपब्लिकन पॉलिटिशियन. रिपब्लिकन पॉलिटिशियन का मतलब होता है जो वो पॉलिटिशियन जो रिपब्लिकन मीन्स रिपब्लिकन लाइक जैसे पहले होता था राजा रानी का राज्य होता था, बट ये क्या चाहते थे, ये लिबर्टी की लोग जो है स्लेव्स बन के न रहे जैसे पहले रहते थे. ही वो फ्रीडम चाहते थे लोगों के लिए, जैसे जो लोकतंत्र राज वो चाहते थे वो. ही अर्न द निकनेम ऑनेस्ट एब. अब्राहम से नेम के उनको शॉर्ट फॉर्म कर दिया एब. ऑनेस्ट एब के नाम से उनको जाना जाने लगा. लिंकन मैरिड मैरी टोड इन 1842. इसके साथ उनकी मैरिड टोड 1842 में उनकी शादी हो जाती. उनके 4 बच्चे थे बट एक बच्चा उनका सिर्फ बचा. द कंट्री वॉज हैविंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी होता है गुलामी. उनका देश जो था गुलाम था, कोई जो लोग थे कई गुलाम थे. द वाइट मैन ओन्ड लार्ज फार्म्स इन साउथर्न स्टेट. साउथ स्टेट्स में जो वाइट मैन गोरे लोग थे वो उन्होंने क्या किया था, उनके बड़े बड़े फार्म्स खेत थे. ब्लैक वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका टू वर्क ऑन दिस फार्म. अफ्रीका में से ब्लैक जो मैन होते उनको लेके आया जाता था कि वो इस फार्म में काम करे. वहाँ पे उनको एज अ स्लेव्स गुलाम बना के रखा जाता था. द पीपल ऑफ नॉर्थर्न स्टेट वर अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी. जो यहाँ ये जो एक्टिविटी हो रही थी वो साउथर्न स्टेट में हो रही थी, बट नॉर्थ के जो लोग थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे एंड वॉन्टेड टू अबॉलिश द टू डिस्ट्रॉय और रिमूव समथिंग. वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन. जो सिद्धांत है जो सारा अमेरिका का, जैसे हमारा इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो अमेरिका का द कॉन्स्टिट्यूशन वो उसमें ये बताया गया था कि सारे मैन जो इक्वल, सभी लोगों को इक्वली समझना चाहिए. देयर फोर देयर वॉज नो प्लेस फॉर स्लेवरी इन दैट कंट्री. तो इस तरह से इस जो देश में कोई भी है गुलाम नहीं होना चाहिए.